तो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस विंटर आप अपने बॉडी को कैसे वार्म रख सकते हैं, यानी कि जब सर्दी ज़्यादा हो और आपका बॉडी बहुत ही सर्दी से कांपता हो तो आप उस टाइम अपने बॉडी को कैसे वार्म रख सकते हैं। मैं आपको कुछ फूड आइटम्स, कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो कि इस सर्दी आपको गर्म रखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है फूड आइटम। फूड आइटम में आप जिंजर और गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उसके बाद है, अगर नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं तो एग्स का इस्तेमाल रोज एक या दो ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं इस सर्दी में, वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश मार्केट में दो या तीन कंपनी के आते हैं, आपको उनमें से जो सस्ता मिले वो लाइए और उसको रोज एक चम्मच रात को सोने के टाइम ले सकते हैं। इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन हो सकता है। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। इस सर्दी में जब सुबह सुबह आपको बहुत ठंड लग रही हो तो आप सोचते हैं क्या करें ऐसा कि बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाए। सो इसके लिए सबसे बेहतरीन योगा है सूर्य नमस्कार। इसको आप 5 से 10 बार परफॉर्म करेंगे, आपके बॉडी में एक ऐसा गर्मी डेवलप होगा कि आप अपने कपड़े भी उतार के पूरा सर्दी में चलेंगे तब भी आपको उस ठंड का कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं ये कर चुका हूँ।